नमस्कार दोस्तों, हमारे संगीत रत्न चैनल की ओर से दिलीप धोपाड़े का नमस्कार। नमस्कार में सब कुछ आ जाता है। तो दोस्तों, संगीत रत्न चैनल की ओर से हमेशा कुछ नया देने की कोशिश होती है। आज भी कुछ नया ही देने की कोशिश होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको ये अच्छा लगता है सुनकर तो ज़रूर लाइक करिए, और औरों के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम राग कलावती, जिसका परिचय करने जा रहे हैं। कलावती, कला की देवी को कलावती कहते हैं, और इस कलावती नाम से ही भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग है। और यह राग खमाश ठाट से निर्माण हुआ, क्योंकि इसमें सिर्फ कोमलनी है, और जिस ठाट में कोमलनी होता है वो खमाश ठाट के अंतर्गत आता है। अब इस खमाश ठाट से ये राग बना है, नेचुरल है, इसमें कोमल नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको पता ही है, मैंने पहले परिचय दिया था कि गाना गाने के लिए 22 श्रुतियाँ होती है, और 22 श्रुतियों से 12 स्वर बनाए गए हैं एक सप्तक में, जिसमें 7 शुद्ध स्वर है, 4 कोमल स्वर है और 1 तीव्र स्वर है। सा, म और प जो जिसमें तीव्र म होता है वो सिर्फ म होता है। सा प तो अचल होता है, यानी सा अपनी जगह से नहीं हिलेगा, प अपनी जगह से नहीं हिलेगा। म शार्प होता है, यानी तीव्र होता है, और रे, ग, ध और नी, यह 4 कोमल स्वर होते हैं, शुद्ध स्वर होते हैं। अगर शुद्ध के पीछे की ओर जाते हैं तो आपको जो स्वर मिलेगा वो कोमल स्वर होता है, उसी स्वर का, यानी शुद्ध स्वर के पीछे गए तो उसे कोमल स्वर आप प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं स्वरों से आज का खमाश ठाट का राग कलावती हमने लिया है। चलिए, कलावती राग में कौन से स्वर लगते हैं? कलावती राग में षडज, गांधार, पंचम, धैवत, कोमल निषाद, ऐसे 5 स्वर लगते हैं। जिस राग में आरोह में 5 और अवरोह में 5 ऐसे स्वर होते हैं, ऐसे ठाट को हम अवड़व जाति का राग कहते हैं। जातियां है अवड़व, अवड़व, शाड़व, शाड़व, संपूर्ण जाति, संपूर्ण शाड़व, संपूर्ण आड़व, संपूर्ण संपूर्ण, ऐसे इसकी जातियां होती है, जिसमें से कलावती राग की जाति है अवड़व, अवड़व, क्योंकि इसमें आरोह में भी 5 स्वर है, अवरोह में भी 5 स्वर है। तो लीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। राग कलावती। सा ग प ध नी सा नी ध प ग सा, ये आरोह और अवरोह हो गया कलावती राग। थोड़ा चलन देखते हैं। 5 ही स्वर है, इसे घुमाना अब
आपको लगेगा पासवर कितने घुमाएंगे। अलंकारों का इस्तेमाल करके और अपने मन का इस्तेमाल करके हम इस राग को चाहिए उतना घुमा सकते हैं। ये राग में ज़्यादा करके सौंदर्य और गंभीरता, ये गुण ज़्यादा नज़र आते हैं। चलिए थोड़ी पकड़ चलन गाते हैं। ग प ग प ध नि ध प ग प ग सा नि ध सा नि ध सा ग ग प ग प ध ध प ग प नि ध प ग प ग प ध नि ध प ग प ग सा नि ध सा। बहुत सुंदर राग है। सा ग ग प ध प ग प ध ध प ग प ग सा नि ध सा ग प सा ग प ग प ध प ध नि ध नि सा नि ध प ग प ध नि ध प ग प ग ध नि ध प ग प नि नि ध प ग प सा ग सा नि ध प ग प नि नि ध प ग प ग सा नि ध सा नि ध सा ग सा ग ग सा ग सा ग प प ग प प ग प ध प ध ध प ध प ग प नि नि ध प नि नि ध प ध नि सा ध नि सा नि ध प ग प ध नि ध प ग प ध नि सा नि ध प ग प ग सा नि ध सा धनी सा धनी सा धनी सा ग सा सा ग प सा ग प सा ग प ग प ध ग प ध ग प ध ग व ध नि ध प ध नि ध प ग प नि नि ध प ग प ध नि सा नि ध प ग प ग प प ग प ग स नि ध सा ग प ध नि ध नि ध नि ध नि ध सा नि ध सा नि ध सा नि नि ध प ग प नि नि ध प ग प ध ध प धनी सा धनी ध प ग प नि ध प ग प ध नि ध प ग प ग स नि ध सा ग प ध नि ध नि ध प ग प ध ध नि नि ध प ग प ध ध नि नि सा नि नि सा नि ध प ग प ध नि ध नि नि ध। ग प प ग प प ग प ध ध ध ध ध ध ध नि नि ध नि नि ध नि नि ध सा नि नि ध सा नि ध प ग प नि नि ध प ग प ग सा नि ध सा ग प ध नि ध ध सा नि सा ध सा नि सा ध नि सा ध नि सा प ध नि प ध नि ग प ध सा ग प सा ग प ध नि सा ग प ध नि सा नि ध प ग नि ध सा। अब विस्तार करने के बाद अगर आप इंस्ट्रूमेंट पे कुछ बजाना चाहते हो तो ताल के साथ बजाने के लिए उस्ताद लोग विलंबित गत बनाते हैं और द्रुत गत बनाते हैं। गत यानि राग के नियमों के अनुसार बनाई हुई तालबद्ध स्वर रचना। अब गति कोई भी हो सकती है। अगर आप विलंबित गति इस्तेमाल कर रहे हैं तो विलंबित, द्रुत गत इस्तेमाल कर रहे हैं तो द्रुत गत। तो लीजिए विलंबित गत मैं बताने जा रहा हूं। सा सा नी ध ध प ग सा नि ध सा 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 नि ध सा ग ग प ध नि ध प ग सा
सा सा नी ध ध प ग सा नि ध सा। तो इस तरह गत की शुरुआत होती है और सम पे आकर रुकना चाहिए, और सम से आप अपने मन की रचना गा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं फिर से गा रहा हूँ, सा सा नी ध ध प ग सा नि ध सा। इस सा से रचना करी, नि ध सा ग प ग ग प ध नि ध प ग प ग नि ध सा ग प ध नि सा नि ध प ग प ध नि ध प ग सा नि ध सा। इस प्रकार ये तो एक रचना बनाई, आप कई बना सकते हैं। और तबला देखकर यानी तबले की मात्रा देखकर आपका मुखड़ा कौन सी मात्रा से शुरू होता है वहाँ से मुखड़ा पकड़कर सम पे आना चाहिए। ये विलंबित गत थी 16 मात्रा की त्रिताल में, और ये गत 12वीं मात्रा से चालू होती है। इसलिए सा सा नी ध ध प ग सा नि ध सा सा सा। अगर आप द्रुत गत गाना चाहते होंगे तो ऐसी होगी, ग प ध नि ध प ग प ग सा ग प ध नि ध प ग प ग सा ग प ध नि ध। ये द्रुत तीन ताल, धा धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा तीन तीन धा ता धीन धीन धा, ऐसे आएगा। इसमें ध पे समय ध प ग प ग सा ग प ध नि ध, ये भी 12वीं मात्रा से चालू हो रहा है। ग प ध नि ध प ग प ग सा ग प ध नि ध प ग प ग सा ग प ध नि सा नि ध प ग सा ग प ध नि ध। इस तरह आप द्रुत गत गा सकते हैं। दोस्तों जानकारी राग की थी, जहाँ तक मुझे पता था आपको बताई। अब इस राग में सुंदर सा एक गाना है, वो भी मैं आपको बता दूं ताकि आपको इस राग का आनंद मिले। रफी साहब ने गाया था, मैं दो लाइन प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी कराराता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, ग प ध नि ध प ग प नि नि ध प ध नि सा नि ध प ग प ग सा नि ध सा। मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दू गम से घबरा ता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, गम का सागर दिल को नहीं बहला सकता दोस्तों, लेकिन संगीत के स्वरों का सागर
आपके दिल को बहलाते जाएगा, आप महसूस करते जाएंगे और खो जाएंगे संगीत की दुनिया में। तो दोस्तों, संगीत की दुनिया का सागर है संगीत रत्न हमारा यूट्यूब चैनल। आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ये जानकारी जैसी भी हो औरों के पास पहुंचाने का प्रयास करिए। और इस प्रयास के लिए ही मैंने यह यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाया है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली राग में, अगली प्रस्तुति में। धन्यवाद।